हर हर महादेव। भाई साहब तो जी दिन की शुरुआत करते हैं महादेव के नाम के साथ, हर हर महादेव। सुबह सुबह 4 बजे का प्लान था लेकिन 5-10 मिनट में लेट हूँ, मतलब 4:10 हो गई हैं और शुरुआत हो चुकी है अपने एक और नए सफ़र की। फिलहाल तो एक सीन हो गया है, जो मेरे घर के पास एक पेट्रोल पंप है वो बंद है भाई, आज पता नहीं क्यों बंद है। वैसे खुल जाता है हमेशा, मैं वहीं से फिल कराता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, अभी बिल्कुल भी रेंज बची नहीं है बाइक में, रात को बिल्कुल नहीं डलाया और बिल्कुल देखो रिजर्व से भी नीचे इसमें ब्लिंकर चमक रहा है। तो फिलहाल तो भाई अपने कालू का पेट पूजा कराते हैं, तभी हमें पहुँचाएगा बेहद खूबसूरत सी लोकेशन पे, जो कि आज की होने वाली है। दिल थाम के रखना और ब्लॉग को पूरा देखना, पता चलेगा भाई आपको दिखाते हैं एक बहुत ही प्यारी लोकेशन, और जो कि है पहाड़ों की। ऑब्वियसली बहुत दिन हो गए यार पहाड़ों पे गए हुए ना, तो अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है बीमार टाइप का। चलो जी लाइट भी ऑन हो चुकी है, जैसे एंटर होते हैं ना भाई पहाड़ों पे, हम मतलब कुछ अलग से ही चाम आ जाता है, कुछ अलग से ही खुशी आ जाती है। तो वही खुशी लेने के लिए आप लोगों के साथ मिलके फिर से निकल पड़े पहाड़ों की ओर, और सफ़र अपना होने वाला है उत्तराखंड की ओर। आज का जो डेस्टिनेशन है वो है लगभग दिल्ली से 450 किलोमीटर के आसपास, जो कि अपना गूगल आंटी बता रही है 10 घंटे, मतलब 10 घंटे कुछ मिनट बता रही है, और एक दो घंटे और उसमें ऐड कर लो ब्रेक वगैरह के, तो मतलब 11-12 घंटे का सफ़र होने वाला है। तो 4 बजे मैं निकला हूँ, 4 से शाम को 4 बजे तक ही पहुँच पाएंगे। फ़िलहाल तो भाई कालू का पेट पूजा कराते हैं। ओहो शुक्र है ये खुला है भाई, ये ना रिंग रोड पे पड़ता है एकदम हयात जो होटल है उसके एकदम सामने, तो ये रिंग रोड वाले जो पेट्रोल पंप है ना वो तो ऑब्वियसली खुले रहते हैं हमेशा। भाई यहीं से शुरुआत हो जाती है, देखो यहाँ पे है जैन शिकंजी ढाबा, मतलब छोटा सा आउटलेट है, और ये अभी हाल फिलहाल काफ़ी दिन हो गए वैसे तो, लेकिन दिल्ली के स्टार्टिंग में यही पड़ता है, और जमुना जी के ब्रिज के ऊपर से हम जा रहे हैं। बेसिकली ये राइड ना अकेले नहीं होने वाली, मेरा एक फ्रेंड है वरुण, जैसे कि आप जानते हो सचपास पे जो मेरे साथ था, और एक उससे पहले भी एक राइड थी उस पर भी मेरे साथ था वरुण। वरुण मुझे मिलेगा आगे, मतलब अभी उसका रह गया है 9 किलोमीटर। अरे दादा कौन हो तुम यार? अरे क्या हाल है उगेश भाई? तुम पहचानो यार वरुण नंबर हो क्या? अभी आऊंगा अब आ गया। क्या हाल है दादा? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, और मिल गया वरुण, और ये वरुण की दुलारी। हमेशा इसी मेरठ वाले जो रोड है इस पर मिलते हैं और यहाँ से कंटिन्यू करते हैं अपनी राइड। अभी मैंने बालकलावा ग्लव्स वगैरह कुछ नहीं पहना है, बस लेट हो रहा था तो जल्दी जल्दी उठ के आ गया, लेकिन जो भी हमने प्लान किया था बिल्कुल सही टाइम पे हम मिले हैं, सही टाइम पे राइड शुरू करिए, तो कंटिन्यू करते हैं आज का अपना सफ़र। बड़ा ठंड लग रही है यार, क्योंकि एकदम खुला है ना, साइड में इसमें नहर चलती है, और ये पहले मैं इस रोड से एक बार गया हूँ जब मैं कार से गया था, थोड़ा नैरो है, दोनों साइड व्हीकल आते हैं, लेकिन रोड ठीक है। मैप में जब भी आप मैप लगाओगे ना ऋषिकेश का, ओ भाई ये क्या हो रहा है, आग लगा रखी है। हाँ, ऐसा ही मन कर रहा है, बस सेक ले भाई हाथ, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही, झेलने वाली है, और तेरे को ज़्यादा लग रही होगी क्योंकि तेरी विंडशील्ड नहीं है, तो भाई ये मस्त बचाती है ठंड से, जितना हम राइड से थकते हैं ना उतना हम विंड से थक जाते हैं, तो ये बेस्ट होता है, हाँ इसलिए बहुत ज़रूरी है विंड स्क्रीन। देख रहे हो भाई साहब कितना कोहरा है, नहर के ऊपर ना ये पूरा कोहरा है, और सच में ना ठंड लग रही है। अब यार पीछे ना विंडशीटर रखा हुआ है, तो कोई मन कर रहा रोक के और पहन लूँ, बस अब ज़्यादा ठंड लग रही है। तो ये पूरा ना देखो, यहाँ पे भी देखो खेतों के बीच में, और यहाँ भी देखो, मतलब दिल्ली में तो ऑलमोस्ट ठंड ख़त्म ही हो चुकी है बिल्कुल, वहाँ तो भाई फ़ैन भी शुरू हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे है भाई आउटर में थोड़ा खुला एरिया होता ना, तो वहाँ थोड़ी थोड़ी ठंड है।
आहा राइट में रोकते हो, सूरज देवता धीरे धीरे प्रकट हो रहे हैं, देख पीछे कुछ नहीं आ रहा, यहीं लगा ले आजा। हाँ लेकिन अच्छी जगह पे, यहाँ बैठेंगे 2 मिनट, लेकिन चाय होती तो मजा आ जाता। ओए होए भाई साहब, चारों तरफ खेत 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 और ये नीचे ओस गिरी हुई है, वहां से प्रकट हो रहे हैं धीरे धीरे अपने सूरज देवता। भाई व्यू बहुत अच्छा है, सामने खेत खेत है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये यार गड्ढे गड्ढे क्यों कर रखे हैं। तो किसी को अगर पता है, जो भाई जो खेती बाड़ी करता होगा ना उसे जरूर पता होगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अगर कोई ऐसा भाई है जो बताए कि यार ये गड्ढे गड्ढे कर क्यों रखे, काफी दूर तक है उधर भी है। तो हाँ जी ऑडियंस, कैसे आप सब लोग, उम्मीद है कि भाई सब बहुत मजे में होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, ऐसे ही होना चाहिए। और फेस टू फेस ना बहुत दिनों बाद हम बात कर रहे हैं, तो भाई भूलना मत, कुछ लोग मुझे लगता है कि भूल गए होंगे, ऐसा होता है यार। 3-4 महीने से मैं गायब था यूट्यूब से, कोई वीडियो नहीं डाल रहा था, चल रहा था कोई मतलब सोशल मीडिया से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट सा हो गया था। भाई अब आ चुके हैं दोबारा से अपने फिर से फ्लो में, फिंगर क्रॉस के भाई अपना फ्लो बना रहे और हम सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहें और आप लोगों से कनेक्टेड रहे। फिलहाल पीछे का व्यू काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहे हैं बॉडी को, और अपने जो पीछे मैंने रखा हुआ ना अपना ये विंडशीटर टाइप का, उसको पहनते यार बहुत ठंड लग रही है। इसमें वैसे तो ये जैकेट है, लेकिन ये जो ये वाला पार्ट है ना मैस वाला, इसमें से यार काफ़ी सीधी ठंडी हवा आ रही है। तो भाई मज़ा आ रहा है, बहुत दिनों बाद राइड करिए, तो फर्स्ट डे है, बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब जैसे दिल्ली से निकले थे ना सुबह सुबह, जैसे ही अलार्म की घंटी बजी और रेडी वेडी होके निकले, जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करा उसके बाद भाई साहब मजे ही मजे। काफी टाइम बिताया हमने, ओके जी, मतलब कम से कम 1 घंटे के आसपास यहाँ पे बिताया। आई होप कि आपको ड्रोन शॉट अच्छे लगे होंगे। वाइजर करते नीचे, हाँ जी अब कंटिन्यू खींचेंगे, 50-60 किलोमीटर के बाद रोकेंगे। बस यहाँ पे ना एक ड्रॉबैक था, रोके हम, ऐसा होता ना लॉन्ग ट्रिप्स पे ब्रेक्स थोड़ा कम लेने चाहिए, तो एक ब्रेक लो उसमें ही सारे काम कर लो, हम यही चाह रहे थे। भाई अपना पंप निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ पे मिल गए भैया हवा वाले, हवा भर दो भैया, यहाँ लगा दूँ। हाँ 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 ये सही हो गया भाई, मिल गया हवा वाला, और यहाँ पे चाय वाला भी है, पीते हैं यार। ओहो सुबह सुबह लग चुके हैं जी दुकान, वो बड़े कलरफुल ना बड़े प्यारे लग रहे हैं, छोटा सा देखो ब्लू कलर, बड़े ना चटक कलर है और दूर से देखने में बहुत अच्छा लग रहा है यार। बचपन की याद ताजा हो गई, मतलब हम तो कभी गाँव वाँव में रहे नहीं, लेकिन फिर भी गांव में मेला वेला में मूवीज़ वगैरह में देखे हैं ये छोटे छोटे ट्रैक्टर, और छोटे छोटे बच्चे ना काफ़ी खुश हो जाते हैं ये सब देख के। मतलब हमारी ना 60-65 स्पीड चले जा रही है इस रोड पे, तो मुझे नहीं लग रहा कि हम ज़्यादा क्रूज कर पाएंगे, बीच में अगर कोई कट आएगा तो ले लेंगे। चीयर्स। ये क्या डाला अंकल जी ऊपर से? चॉकलेट पाउडर। अरे भैया चाय को कॉफ़ी बना दिया अंकल जी ने, ये देखो भाई चॉकलेट पाउडर डाला है, मुझे लगा कॉफ़ी बना दी है। चीयर्स चीयर्स दादा, दादा चीयर्स। कुल्लड़ में ना मतलब मिक्स टेस्ट आ रहा है, जब चॉकलेट पाउडर डाला ना उसके बाद चाय और कॉफ़ी का मिक्सचर टाइप का लग रहा है। तो ये पहली चाय है जी हमारी हाईवे की, देखते हैं कितनी चाय और पीते हैं शाम तक। यही है अपना नशा, और कोई तो नशा करते नहीं है, बस ये चाय का नशा है राइडर्स का। भाई थोड़ा सा एनर्जी आती है बॉडी में, समझो यार बात को, तो निपटाते हैं जल्दी जल्दी। भाई साहब हवा डलवाने के बाद ना अपने कालू में कुछ अलग ही बात आ गई है, तो अब ना टाटा बाय बाय बोल दिया हमने उस नहर वाले रास्ते को, और मेन जो हाईवे है यार उसको पकड़ रहे हैं, क्योंकि उस पर ना स्पीड बहुत ज़्यादा गिर गई थी हमारी, काफ़ी गड्ढे आ रहे हैं और यार कुत्ते बिल्ली वो सब आ जा रहे हैं, तो हमसे ना हो पाएगा भैया, हमसे नहीं हो पाया वहाँ पे। उत्तराखंड परिवहन निगम हरिद्वार मोहन नगर दिल्ली, भाई आ गए अपने पुराने वाले हाईवे पे, और अब थोड़ा सा क्रूज कर पा रहे हैं ना, अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, अब मतलब 80-90 चल पा रहे हैं, हालांकि थोड़ा ट्रैफिक बढ़ गया है,
लेकिन कोई बात नहीं, अब अच्छे स्पीड खींचते हैं और कंटिन्यूसली भाई कम से कम 100 किलोमीटर बाद तो कोशिश करेंगे ब्रेक लेने की। काफ़ी मज़ा आ रहा है यार, बहुत दिनों बाद आए हो ना राइड पे, कि मैं बता नहीं सकता कि यार अंदर की मेरी जो खुशी है ना, बहुत मतलब मैं झूम रहा हूँ अच्छे से। जेमिन फूड कोर्ट भाई, यहाँ रोकते हैं, सही सा लग रहा है, पेट पूजा करते हैं। और ये वरुण का एक फ्रेंड मिल गया रास्ते में, तो बाइक की अपनी लगाते हैं यहाँ पे। आ चुके हैं भाई साहब हमारे तंदूरी पराठे, अभी तो गर्म है। आकाश टू भी लेक लेना, मैं भी नहीं खा गया, मैंने टेस्ट कर ले बस। वो जिस पे हम आते थे ब्राइड करते हुए 70 माइल वाला हमें तो खोल लिया मुरतल में भी ब्रांच अपनी। पेट पूजा अपनी हो चुकी है, एक एक पराठा खा लिया। पराठा इतना ज़्यादा सही नहीं था, मतलब सो था, ठीक ठाक, ज़्यादा क्रंची नहीं था, लेकिन जो बटर अचार चटनी वगैरह थी ना, वो एकदम एकदम फ्रेश थी। अब नहीं रोकेंगे काफ़ी देर तक, क्योंकि लंबा सफ़र है, इतना भी पास नहीं है। हर हर महादेव, स्वागत है आप सभी का। हरिद्वार में पहुंच चुका है जी, हरिद्वार और शिव मूर्ति। ये वरुण क्या फोटो ले रहा है। तो भाई अभी ना रुक नहीं रहे हैं, वैसे यहाँ पे एक पार्क है और पार्क के अंदर से जाके आप आराम से फुटेज वगैरह ले सकते हो। और ये माँ गंगे, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन सा पानी है। अब जैसे समर आएगी ना तो फ्लो बढ़ता जाएगा, ऊपर से बर्फ़ पिघलेगी और भाई बहुत ज़्यादा फ्लो होता चला जाएगा। तो लास्ट टाइम जब मैं यहाँ से गुजरा, जब मैं बद्रीनाथ गया था, तो भाई मैंने ड्रोन शॉट लिया था वहाँ पे पार्क में बैठ के, तसल्ली से एक लिमका लेके पीते हुए आराम से ड्रोन शॉट लिया था। लेकिन अभी यार डिस्टेंस थोड़ा ना लंबा है, ब्रेक्स काफ़ी हो चुके हैं, तो वो जो ड्रोन शॉट है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। वो पुराना एक्चुअली, अभी का नहीं है, तो देखना और कमेंट करके बताना कैसा है। हर महादेव भाई, मस्त बाइक चला रहे हैं साधु बाबा। और इस पे यार मेटियोर पे ना मजा आ गया वरुण की बाइक चला के। भाई साहब क्या साउंड आ रहा है ये देखो, पीछे से ना मतलब इतना गजब साउंड आ रहा है, या ज्यादा इरिटेटिंग वाला भी नहीं है, लेकिन मजा आ रहा है, रेव कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा लग रहा है एकदम। मतलब थकान बिल्कुल नहीं हो रही है, जैसे बंदा थक रहा है ना, तो जैसे ही रेव करते हैं हल्का सा तो भाई मन करता है अभी और चलाएं और चलाएं और चलाएं। मज़ा आ गया भाई, सच में मज़ा आ गया चला के इंटरसेप्टर, मतलब दुलारी वरुण की। देहरादून 48 किलोमीटर, माना पास है 355। अच्छा जी, ओ भाई साहब क्या ही मजा आ गया यार, 120। सामने पहाड़ दिख गए, गजब 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 गजब। जब आप ऐसे बाइक राइड करते हो ना तो एक बच्चा बन जाते हैं यार, तो वो फीलिंग ही कुछ अलग होती है, मतलब वो कार में नहीं आ सकती भाई साहब। दूसरी बार भाई अपने कालू की पेट पूजा हो रही है, दिल्ली से मैं करवा के आया था, 1100 रुपये का डला था। फुल कर दीजिए फुल, यहाँ पे रेट भी थोड़ा कम है, 93 है, अपने दिल्ली में 97 कुछ है। हेलो हेलो भैया की बहुत इच्छा हो रही थी व्लॉग में लेने के लिए। क्या नाम है? अनुराग। कहाँ जा रहे हो? पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं। अच्छा फिर से हमारे जैसे ही हो फिर तो, जा रहे हो? हमें भी नहीं पता यार, हम दोनों एक जैसे ही हैं। सही है भैया। ओके भैया, बड़ी इच्छा हो रही थी भाई साहब की ब्लॉग में लेने के लिए, ले लिया, खुश हो जाएंगे अब, देख लेना भैया
है होटल सनुज और रेस्टोरेंट, यहाँ पे हम रुके हैं भाई, यहाँ पे करते हैं लंच। और ये खड़े हैं अपने बीच जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, और ये वरुण की दुलारी। हाँ दादा, कैसे चल रही राइड? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। भूख लग गई? हाँ भूख लग गई, मैं स्टेटस लगा रहा था जरा। अच्छा, अब यही करेंगे भाई, जैसे ब्रेक मिलता है ना, जैसे हमें थोड़ा बहुत ब्रेक मिलता तो लगाना शुरू कर देते स्टोरी वगैरह। तो इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया तो गाइस नीचे चैनल इंस्टाग्राम का ना हैंडल आ रहा है, उस पर फॉलो करना, बैक कैमरा स्टोरीज रील्स वगैरह आपको देखने को भरपूर कंटेंट मिलेगा। लो जी, आ चुका है हमारा खाना, बूंदी रायता, मिक्स रायता और बटर पनीर मसाला, सलाद और तवा रोटी। दादा भूख लग रही है, जल्दी कर। हाँ निकालो। ये कोल्ड ड्रिंक देना, कोई कोल्ड ड्रिंक है क्या? कोई भी दे दो, छोटी वाली। नींबू वाली? हाँ नींबू है ना, नींबू है ना। लिमका वगैरह नहीं है? अरे सही है, नींबू सेवन अप या कुछ दो ना भाई, एक नंबर का था। अगर कभी भी आते हो ना तो जरूर इस रेस्टोरेंट में खा के जाना, क्योंकि हम ना कोई बेकार रिव्यू नहीं देते, जो हमें अच्छा लगता है वही अपने ऑडियंस को बताते हैं। खाना इतना ज़बरदस्त था ना कि मैंने बस नोट डाउन कर लेता हूँ, मैं नोट डाउन कर लिया है कि कभी भी जाऊँगा तो अगर उस टाइम पे मैं उस जगह के आसपास हूँगा, मतलब लंच टाइम पे या डिनर टाइम पे, तो भाई ज़रूर करूँगा। बहुत लजीज खाना था। एक घंटा हमने वहाँ पर रेस्ट करा और उसके बाद निकल गए। 4 बजे का टाइम हो गया, लेकिन जर्नी अभी थोड़ी लंबी है। आज थोड़ा सा काफ़ी दिनों बाद राइड कर रहे हैं तो यार ऐसा हो रहा है कि डिस्टेंस कम खींच पा रहे हैं हम, पता नहीं क्या रीज़न है। हम अभी पहुंचे देवप्रयाग। जैसा कि सभी को पता ही होगा, मोस्टली लोगों को, कि इस वाले रूट पर जब बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं तो बहुत सारे प्रयाग पड़ते हैं, देवप्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, तो ये भी एक प्रयाग है। फर्स्ट प्रयाग ये पड़ता है जब हम इस साइड से जाते हैं, तो ये है भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम। यहाँ से एक्चुअल गंगा नदी बनती है और ये दोनों नदियाँ मिलके यहाँ से जाके ये गंगा नदी बनाती है और सीधा फ्लो होती है नीचे तक प्लेन्स एरिया में, मतलब हरिद्वार से नीचे तक फ्लो होती है। गंगा का नाम दिया जाता है, इससे पहले अलकनंदा और भागीरथी हैं। तो ये है देवप्रयाग का नज़ारा। यार अभी ना एक बार जब मैं लास्ट टाइम गया था बद्रीनाथ जी, तब मैं उस पॉइंट पर गया था, 1 घंटा लग गया था भाई, ऐसे करके ना घूम घूम के जाना पड़ता है। ये जो मेन पॉइंट दिख रहा है ना आपको, ये वाला, तो यहाँ पे ये जो संगम, ये जो बाउंड्री दिख रही है, बिल्कुल यहीं पे जाने का घाट बना हुआ है। कुछ लोग आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे जाने की भाई अलग ही फील आती है। तो भाई साहब, सुबह से हो चुकी है शाम और शाम से रात, अभी हमें रुद्रप्रयाग में, तो कहानी कुछ चेंज हो चुकी है। अभी चोपटा जाना हमारा कैंसिल हो चुका है और फिलहाल तो अभी हमने जो डायवर्जन लिया है ये जाता है सीधा केदारनाथ, 92 किलोमीटर गुप्त काशी कुंड, और पीछे जो सीधा रोड चला गया वो जा रहा है श्री बद्रीनाथ जी को। क्या अच्छी लाइटिंग लगाई है यार, ओ भाई कलर भी चेंज हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं और एक्चुअली जो आगे की कहानी है ना वो आपको सुनाएंगे थोड़ी देर बाद। फिलहाल तो एक काम करते हैं, पहले ना एक अच्छा सा स्टे ढूंढते हैं यहाँ पे, क्योंकि आज सुबह से चलाए जा रहे हैं और हमने 373 किलोमीटर क्लॉक कर लिया दिल्ली से। हालांकि बहुत कम है हमारे लिए, लेकिन कहीं ना कहीं यार थकान सबको होती है, हम भी ह्यूमन हैं, मतलब इंसान हैं, थकान सबको होती है। तो सबसे पहले एक अच्छा सा स्टे ढूंढते हैं और फिर आपको आगे की सारी कहानी सुनाते हैं।